राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर रहा है, घरों में पानी घुस चुका है। दिल्ली सरकार ने भी लोगों से घर खाली करने की अपील कर दी है। वहीं दिल्ली में बाढ़ के संकट को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बाढ़ के लिए बीजेपी शासित हरियाणा को जिम्मेदार बता रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कोरोना संकट से लेकर बाढ़ तक पर केजरीवाल की ओर से केंद्र से मदद मांगने को लेकर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया, ऑक्सीजन संकट, अमित शाह जी ऑक्सीजन दो। बिजली संकट, अमित शाह जी कोयला दो। कोविड फैल रहा था, अमित शाह जी बेड की व्यवस्था करा दो। यमुना का जल स्तर बढ़े, अमित शाह जी मदद करें। मैं तो बस विज्ञापन पर हजारों करोड़ खर्च करूंगा और दारू का गोरख धंधा करूंगा, बाकी काम केंद्र सरकार करे। बीजेपी नेता ने इस ट्वीट के साथ केजरीवाल को वह खत भी साझा किया जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह के नाम लिखा था। इसमें उन्होंने गुजारिश की थी कि हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से यमुना में पानी धीरे धीरे छोड़ा जाए। आदेश गुप्ता सीएम केजरीवाल के उस खत को लेकर निशाना साधते नजर आ रही हैं, जिसमें उन्होंने बाढ़ से निपटने के लिए अमित शाह से मदद की अपील की थी। सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि कुछ दिनों बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 शिखर वार्ता होने वाली है। ऐसे में बाढ़ की खबर से विश्व पटल पर अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हम सबको मिलकर इस स्थिति से दिल्ली के लोगों को बचाना है। इस बीच आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर दिल्ली में बाढ़ के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हथिनी कुंड बैराज से ज्यादा पानी छोड़े जाने की खबर पर भारद्वाज ने कहा, यह दिल्ली की मुसीबत बढ़ा रहा है, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। चार दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई है, इसके बावजूद यमुना में जल स्तर बढ़ रहा है क्योंकि हरियाणा अनियंत्रित तरीके से पानी छोड़ रहा है। बता दें कि इस बार यमुना के जलस्तर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में लोगों ने शिविरों और फ्लाईओवर के नीचे आसरा लिया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को ही कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी थी। दो दिन में दिल्ली में ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन यह अधिकांश पानी हिमाचल और हरियाणा से आ रहा है। बाढ़ के हालात को देखते हुए ट्रैफिक में बड़े बदलाव किए गए हैं।